नमस्कार, मैं विवेक कुमार और मैं अभी रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित दुर्गा मंडप के पास हूं। और इस जगह पे अभी हमारे सामने पूजा कमेटी के कोषाध्यक्ष हमारे सामने हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह से दुर्गा पूजा 2022 का इस वर्ष आगाज हो रहा है और क्या विधि व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे जो मेले का आयोजन किया जाता है उसमें क्या व्यवस्था रहेगी और दुकानदारों के लिए क्या विशेष व्यवस्था यहाँ पे की गई है। विवेक जी, दुर्गा पूजा जो यहाँ शुरुआत होती है षष्ठी से, स्थापना तो 26 तारीख को हो जाएगी कलश स्थापना, लेकिन 26 तारीख से 1 तारीख को षष्ठी पड़ेगी। षष्ठी को यहाँ पर पंडाल का उद्घाटन होगा। पंडाल के उद्घाटन से पहले जितने दुकान लगते हैं पूरे सिस्टम से यहाँ पर दुकान लगते हैं और विधि व्यवस्था पूरा चुस्त होती है। मेला का जो बात है, मेला में झूला लगा हुआ है, झूला के लिए पूरा उधर खुला रहेगा, चारों तरफ दुकान रहेगा, चाट से लेके होटल, फल दुकान से लेके सिंगार दुकान, सभी दुकान यहाँ पर, आइसक्रीम दुकान, ये सब सिस्टम से चारों तरफ लगती है। उसमें कोई परेशानी नहीं है। हम लोग वर्षों से रजरप्पा में दुर्गा पूजा कराते आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करा रहे हैं। इस बार यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतरीन खुशी है कि जो आतिशबाजी 3 वर्षों से यहाँ पर नहीं हुई है, इस वर्ष बहुत ही बेहतरीन आतिशबाजी दशमी के दिन होगी। तो इस जगह पे आतिशबाजी होगी, तो अभी देखा जा रहा है कि उस जगह पे ग्राउंड पे रावण बनाया जा रहा है, तो कुंभकर्ण रावण और मेघनाथ तीनों, उसकी ऊंचाई 70 फीट बोला जा रहा है, क्या ये सही? जी सही है, 70 फीट इसकी ऊंचाई है। कुंभकर्ण की कम है, रावण की 70 फीट है और कुंभकर्ण का 61 फीट है। तो इस जगह पे जो ग्राउंड है, यहाँ पे हमेशा देखा जाता है कि यहाँ पे बाहर से आए हुए गाड़ी ग्राउंड पे जमा कर देते हैं, इस बार क्या व्यवस्था रहेगी? अनावश्यक लगा देते हैं, वो लगेगी ही नहीं, इस बार नहीं लगेगी, पहले भी नहीं लगी है। नहीं, पहले जैसे तीन वर्ष पहले हम जब थे उस समय नहीं लगी है। हम पूरा ब्रेकेटिंग कर देते हैं चारों तरफ से कि यहाँ गाड़ी इस कैंपस में घुसेगी ही नहीं। जब तक हम यहाँ के पदाधिकारी थे 3 वर्ष से हम नहीं थे, 3 वर्ष में के बीच में कुछ हुई होगी त्रुटियां, उसको हम नहीं जस्टिफाई। पुनः आपको फिर से दोबारा वो मौका मिला है, पूरा मिला है और पहले की तरह बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस बार भी हम करेंगे। तब तक पंडाल तैयार हो जाएगा? ये पंडाल षष्ठी से पहले तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि इन्होंने बतलाया कि षष्ठी को पंडाल उद्घाटन किया जाता है यहाँ पे और पूरी तैयारियां जो है कि काफी दुरुस्त रहेगी, साथ ही यहाँ पे प्रशासन भी मुस्तैद रहेगी, रजरप्पा पुलिस के द्वारा यहाँ पे खास विशेष व्यवस्था यहाँ पे रहेगी ताकि किसी तरह से यहाँ पे हुड़दंगी ना हो और किसी तरह का कोई अनहोनी ना घटे। और इसके साथ ही यहाँ पे काफी समय के बाद कुछ 2-3 वर्षों से यहाँ पे इस तरह से आयोजन भव्य नहीं हो पाया था, कोरोना के कारण, कोरोना को लेके इस जगह पे वैसा आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार 2022 का दुर्गा पूजा कुछ खास होने वाला है क्योंकि काफी भव्य और काफी यहाँ पे भीड़ होती है। लोग एक अपने ही जिले नहीं दूसरे जिलों से इस जगह पे रजरप्पा प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही लोग यहाँ पे पहुँचते हैं क्योंकि रजरप्पा प्रोजेक्ट माँ छिन्नमस्तिके का पावन धरती भी है और इस जगह पे लोग घूमने के बहाने यहाँ पे आते हैं और यहाँ का काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं क्योंकि रजरप्पा प्रोजेक्ट नामी है, जिले में रजरप्पा को विशेष दर्जा दिया गया है क्योंकि इस जगह पे माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर भी है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है और ये उसी की पावन धरती है रजरप्पा प्रोजेक्ट, जो कि खास महत्व अपने आप में रखता है।